तो अब हम बात करते हैं इसके एक एक फीचर की। तो चलिए सबसे पहले बटन बटन के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो बटन है, पहले बात करेंगे फैन वाले बटन की। तो ये ऑफ, हाई, मीडियम, लो। तो ये मूव करने में वेरी स्मूथ है, आपको ये बहुत स्मूथ जाएगा। ये लो, मीडियम, हाई, तो मैं इसे मीडियम पर ही रख देता हूँ। तो अब ये सेलो एप्स, ये है मॉडल का नाम। जैसे आप समझ गए होंगे ये कूल के लिए, तो ये कूल यानी कि पूरा कमरा 1 से 2 घंटे में पूरा कूल हो जाता है। स्विंग प्लस कूल यानी कि ये जो स्विंग होती है ये सारी दिशा में हवा फैलाती है। स्विंग यानी सिर्फ स्विंग घूमेगी, कूलिंग देगा पर जितना कूलिंग मोड में देता है उतने नहीं देगा। तो अब अगले फीचर की बात करते हैं। अगला फीचर है स्विंग। तो ये जो स्विंग देख रहे हैं आप, ये स्विंग वेरी स्मूथली पूरे कमरे को ठंडा कर देती है। अगर आपका हवा ऊपर ये नीचे, आप इस तरीके से हवा ऊपर नीचे कर सकते हैं। और इसमें कंपनी ने बहुत अच्छी डिजाइन दी है, आप दूर से देखिए तो देख सकते हैं आप कैसा कैसा लुक आ रहा है इसमें, एकदम बेस्ट लुक है। तो अब अगले फीचर की बात करते हैं। आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि ये वाटर टैंक यहाँ नीचे है और ये पानी का लेवल है ऊपर कैसे। तो आपको ये डंडी दिख रही है, तो ये जैसे वाटर इंक्रीज होगा तो ये ऊपर जाएगी और जैसे वाटर कम होगा तो ये नीचे जाएगी। आप समझ ही चुके होंगे। तो चलिए नेक्स्ट फीचर। ये है लेफ्ट साइड। ये लेफ्ट साइड में बहुत अच्छे है, इसमें हनीकॉम्ब पैड अवेलेबल है। तो ये बहुत ही अच्छी कूलिंग देता है और इसमें पानी ज़्यादा देर तक रहता है और आपको इसे 3 से 5 साल में ही बदलना होता है। ये ज़्यादा कूलिंग भी प्रोवाइड करता है और ज़्यादा ठंडक भी देता है। तो चलिए अगले फीचर की बात करते हैं। ये है बैक साइड। तो बैक साइड में भी आपको मैंने बता ही दिया कि हनीकॉम्ब पैड है। अब इसके नीचे ही आपको ये मिल जाएगा वाटर डालने का। एक सबसे मेन बात, अगर वाटर ज़्यादा हो जाता है इस टैंक में तो यहाँ से ऑटोमेटिकली निकलना शुरू हो जाएगा और आपके पानी की बचत होगी। तो चलिए नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं। तो अब हम आ चुके हैं टॉप साइड पर। तो आप यहाँ से भी पानी डाल सकते हैं इसमें, ये देखिए होल। अगर आप रात में यहाँ पे आइस डालेंगे और इसे स्टार्ट करेंगे तो ये एसी जैसी हवा देगा और इसमें खास टर्बो कूलिंग सिस्टम अवेलेबल है। तो अब नेक्स्ट साइड की बात करते हैं। तो आप देख ही सकते हैं इस कूलर में ये वाली पिन अवेलेबल होती है, बहुत ही अच्छी पिन है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, बट ज़रा शॉर्ट है ये पिन। तो मैं इसे स्टार्ट करके बताता हूँ आपको। तो बटन ऑन है, तो मैं इसका सबसे पहले आपको लो मोड पर सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। और ये कूल आप देख सकते हैं बहुत ठंडे आ रहे इससे। अब हम चलते हैं मीडियम पे और ये स्विंग प्लस कूल, देखिए कूलिंग भी दे रहा है और स्विंग भी घूम रही है। अब हम चलते हैं स्विंग पर, तो ये थोड़ी कूलिंग कम दे रहा है बट स्विंग मूव कर रही है। तो जैसे आप देख सकते हैं मैं इसे स्विंग प्लस कूल पे लगा देता हूँ और ये हाई मोड पे इतनी हवा देता है कि कमरा 1 से 2 घंटे में ही पूरा कमरा ठंडा हो जाता है। तो अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो इसे ऑफलाइन मैंने मार्केट में ख़रीदा है और इसके प्राइस है 10,500 रुपीज़। तो बहुत ही अच्छा कूलर है, आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। बहुत ही सेलो का है, तो इसमें टर्बो कूलिंग सिस्टम, नया एयर कूलर है, नया मॉडल है। तो आप मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।